देखिए दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग SSC के द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, जिस संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह है रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन CAPF NIA SSF ये राइफलमैन्स GD आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2018। यानी कहने का मतलब है SSC GD की जो एग्ज़ाम है 2018 में, उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई करने से रिलेटेड ये, मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था SSC GD 2018 का, अगर आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अगर आपसे करेक्शन हो गया है, आपसे गलती हो गई है, तो उसमें करेक्शन करने से संबंधित ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यानी कि आप 11 अक्टूबर 2018 से लेकर 18 अक्टूबर 2018 तक आप इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था, अगर वो फिलअप करने में आपसे थोड़ी सी भी कोई भी अगर नाम में या फिर और किसी चीज़ में अगर उसमें गलती हो गई है, तो उसको आप 18 अक्टूबर 2018 तक उसको करेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंज इन दीज फील्ड आफ्टर 18-10-2018। यानी 18 अक्टूबर 2018 के बाद में कैंडिडेट को किसी भी हालत में चेंज करने का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये जो नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाला गया है, 11 अक्टूबर 2018 को आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये नोटिफिकेशन आपके साथ में शेयर करना जरूरी था। जो भी स्टूडेंट्स SSC GD से रिलेटेड है उनके लिए सूचना जाननी जरूरी है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मॉडिफाई करने की लिंक है वो एक्टिवेट कर दी गई है। 11 अक्टूबर 2018 से लेकर 18 अक्टूबर 2018 तक वो एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। मिलते हैं।